Hello student, good evening. In previous lecture of phycology, we discussed about algal flagella, and in today lecture we will discuss about kinds of flagella. तो flagella जो है एक ऐसा सेल है, एक मोटाइल सेल है जो कि एल्गी में मिलता है और वो एक्साइल पोजिशन में भी हो सकता है और एक सेंट्रल पोजीशन में भी हो सकता है। एक तरीके का फिलामेंट होता है जो थ्रेड लाइक होता है और इसका जो फंक्शन है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कि ये मोशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो ये कितने तरीके के होते हैं काइंड्स ऑफ फ्लैजेला, दे आर ऑफ मेन टाइप्स ऑफ फ्लैजेला वाइपलेस एंड टिन सेल। टू टाइप्स के हैं वाइपलेस एंड टिन सेल। तो वाइपलेस फ्लैजेलम हैज स्मूथ सरफेस। जो वाइपलेस फ्लैजेलम होता है उसकी जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो बहुत ही स्मूथ होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रोनीमेटिक और पैचगेसिल। एक्रोनीमेटिक और पैचगेसिल इसके नेम है जो इसको बोले जाते हैं। इसको एक्रोनीमेटिक और पैचगेसिल नाम से भी जाना जाता है। द टिन सेल फ्लैजेलम हैज लॉन्गिट्यूडनल रो। और इनके फ्लैजेलम में, टिन सेल फ्लैजेलम में लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी रोज होती हैं, ठीक है, और फाइन माइन्यूट फ्लीमर्स हेयर। इनकी सरफेस में क्या होते हैं, फ्लीमर्स हेयर, बहुत फाइन और छोटे हेयर्स मिलते हैं टिन सेल फ्लैजेलम में। हैर अरेंज्ड अलोंग द एक्सिस ऑलमोस्ट टू द टिप ऑफ द फ्लैजेलम। और ये कहाँ पर होते हैं, ऑलमोस्ट टिप पर प्रेजेंट होते हैं, एक्साइल पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। देयर मे बी अ सिंगल रो ऑफ हेयर्स एज इन क्राइसोफाइसी एंड फियोफाइसी, ठीक है, सिंगल रो होती है हेयर्स की, ठीक। और किसको मेनली कौन सी एल्गी में मिलते हैं, क्राइसोफाइसी एल्गी में और फियोफाइसी एल्गी में मिलते हैं। कौन सा, टिन सेल फ्लैजेलम। द हेयर्स अराइज फ्रॉम मार्जिन्स ऑफ पेरिफेरल फाइबर्स एंड टिन सेल फाइबर आर नॉन ऑल्सो नोन एज पैंटोनीमेटिक फ्लीमर्स और फ्लीमर गिसेल। इन नाम से भी इसको बुलाया जाता है। मेंटन एंड पार्की डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ फ्लैजेलम। तो मेंटन और पार्की ने इस टाइप के फ्लैजेलम को डिस्क्राइब किया 1960 में। यहाँ हमने डायग्राम बना के भी शो किया गया, देखो वाइपलेस फ्लैजेला होते हैं वो यहाँ से टॉप साइड से निकल रहे हैं और ये जो छोटे छोटे हमें पॉइंट है जहाँ से फ्लैजेलम निकल रहा है से ब्लीफेरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो सरफेस आपको दिखाई दे रही होगी बहुत ही स्मूथ है, ये वाइपलेस फ्लैजेलम है, फ्लैजेला। और यहाँ देखिए टिन सेल फ्लैजेलम, टिन सेल फ्लैजेलम का जो है टॉप से निकल रहा है और इसमें हेयर्स हैं, ये देखिए हेयर्स हैं जिसको फ्लीमर हेयर, माइन्यूट छोटे छोटे हेयर्स हैं इसकी बॉडी पे, तो इसको हम टिन सेल फ्लैजेलम कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर है यूकैरियोटिक फ्लैजेलम, ये तो प्रोकैरियोटिक के थे जो कि टू टाइप्स के हैं, ये यूकैरियोटिक फ्लैजेलम है, ठीक है। इस यहाँ पर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसको साइटोप्लाज्मिक सीथ बोलते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है और इसके अंदर है पेरिफेरल फिब्रिल्स, ये पेरिफेरल फिब्रिल्स है ये जो कॉर्नर में है और टू जो है वो सेंट्रल फिब्रिल्स है, तो ये यूकैरियोटिक फ्लैजेलम हुआ, ओके। तो आज हमने दो लेक्चर में डिस्कशन किया एल्गल फ्लैजेला इन अ वेरी शॉर्ट वे एंड इन वेरी इजी लैंग्वेज। थैंक यू।